युवा श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली टीम दिल्ली कैपिटल्स आईपीएल के 13वें सीजन में दूसरी शिकस्त झेलनी पड़ी, जब रविवार को रिकॉर्ड 4 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस ने उसे हरा दिया। दिल्ली टीम के ओपनर शिखर धवन की नाबाद 50 की बदौलत 20 ओवर में 4 विकेट पर 162 रन बनाए और मुंबई ने 19 ओवर में 5 विकेट खोकर ये लक्ष्य हासिल कर लिया। अबुधाबी के शेख जायद स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स से मिले 163 रन के टारगेट का पीछा करते हुए मुंबई टीम के लिए ओपनर क्विंटन डीकॉक और सूर्यकुमार यादव ने 53 रन बनाए। सूर्यकुमार और ईशान किशन ने तीसरे विकेट के लिए भी 53 रन जोड़े। ईशान किशन ने 28 रन का योगदान दिया। 163 रन के टारगेट का पीछा करने उतरी मुंबई टीम की कैप्टन रोहित शर्मा सस्ते में पवेलियन लौट गए और उन्हें अक्षर पटेल ने शिकार बनाया। मुंबई का पहला विकेट 31 की टीम स्कोर पर गिरा। रोहित ने 12 गेंदों का सामना किया और केवल 5 रन बनाए। मुंबई के विकेट कीपर बल्लेबाज क्विंटन डीकॉक ने इस सीजन की दूसरी 50 जड़ी। उन्होंने 33 गेंदों पर अर्धशतक पूरा किया। डीकॉक और सूर्यकुमार यादव ने दूसरे विकेट के लिए 46 रन की पार्टनरशिप की। डीकॉक ने 36 गेंदों पर 53 रन की अपनी पारी में 4 चौके और 3 छक्के लगाए। उन्होंने इससे पहले शारजहां में सनराइजर हैदराबाद के खिलाफ भी अर्धशतक जड़ा था। तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी को उतरे सूर्यकुमार यादव ने आईपीएल के मौजूदा सीजन में अपना लगातार दूसरा अर्धशतक जड़ा। उन्होंने 32 गेंदों की अपनी पारी में 6 चौके और 1 छक्का जड़ा। सूर्यकुमार ने पिछले मैच में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ नाबाद 79 रन की पारी खेली थी। दिल्ली कैपिटल्स ने ओपनर शिखर धवन की नाबाद 69 रन की शानदार पारी और कप्तान श्रेयस अय्यर के साथ तीसरे विकेट के लिए 85 रन की साझेदारी में मुंबई इंडियंस के खिलाफ 4 विकेट पर 162 रन बनाए। धवन ने 52 गेंद की पारी के दौरान यह 4 चौके और 1 छक्का जड़कर फॉर्म में वापसी की। शानदार फॉर्म में चल रहे कप्तान श्रेयस अय्यर ने 33 गेंद में 42 रन की पारी खेली, जिसमें 5 चौके शामिल हैं। धवन और अय्यर ने 10 ओवर के तीसरे विकेट के लिए 85 रन की साझेदारी की। टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स को पहले ही ओवर में झटका लगा। उसने युवा ओपनर प्रथ्वी शाह को विकेट गंवा दिया। पेसर ट्रेड वोल्ट के पारी के पहले ओवर की दूसरी गेंद पर चौका लगाने के बाद अगली गेंद पर शॉर्ट कवर पर कुणाल पांड्या को कैच देकर प्रथ्वी पवेलियन लौट गए। दिल्ली टीम ने अगला विकेट अनुभवी रहाड़े के रूप में जल्दी खो दिया, जो कुणाल की खूबसूरत आर्म बॉल का पगवाड़ा आउट हुआ। इसके साथ दिल्ली का टीम स्कोर 2 विकेट पर 24 रन हो गया। अब अय्यर और धवन क्रीज पर थे। टीम ने पावर प्ले में 2 विकेट गंवाकर 46 रन बनाए। अय्यर और धवन दोनों ने आराम से 1-2 रन जुटाने के अलावा बीच बीच में शॉट लगाकर अच्छी साझेदारी शुरू किया। 10 ओवर में टीम का स्कोर 2 विकेट पर 80 रन था। मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा के लिए इन दोनों खिलाड़ियों के बीच इस भागीदारी को तोड़ना जरूरी था। कुणाल पांड्या ने यह काम किया। अय्यर ने कुणाल की गेंद पर उठकर बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन यह सीमा रेखा से जरा पहले मिड विकेट पर वोल्ड के हाथों से चली गई। इससे टीम ने 15वें ओवर में 109 रन का तीसरा विकेट गंवाया। मार्कस स्टोइनिस ने आते ही तेजी से रन जुटाना शुरू किया। धवन ने 16वें ओवर में वोल्ड की गेंद को चौके के लिए पहुंचाने के बाद पहली गेंद पर 1 रन देकर 39 गेंद में 4 चौके और 1 छक्के अपना अर्धशतक पूरा किया। इस ओवर में 3 चौके से 16 रन बने, लेकिन स्टोइनिस और धवन के बीच रन को लेकर हुई गफलत में दिल्ली कैपिटल्स को 4था झटका लगा। पिछले मैच में स्टोइनिस ने बल्ले और गेंद दोनों से प्रभावित किया था। वह मिसफील्ड पर भागने लगे और रन आउट हुए। दिल्ली की टीम हालांकि अंतिम 4 ओवर में ज्यादा रन नहीं जुटा सकी। उसने 35 रन बनाए। विकेटकीपर बल्लेबाज एलेक्स कैरी दूसरे छोर पर 14 रन बनाकर नाबाद रहे। मुंबई के लिए कुणाल पांड्या 26 रन देकर 2 विकेट झटके, जबकि पेसर ट्रेड वोल्ड ने 36 रन देकर 1 विकेट लिया। मुंबई इंडियंस की शानदार जीत के बारे में आपका क्या कहना है और आईपीएल में आपकी फेवरेट टीम कौन सी है, हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं।
चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।